Hello everyone, welcome to this online channel by Unique High School Badia Town Campus Lahore. I am Yasser, and this video is for class 7th, and we are going to start stories from unique notes, and we will do story number 1, 2, and 3 today. So let's start. So these are the stories which we are going to cover in this video lecture: the hare and the tortoise, the mice and the cat. and thirdly bad company so i would suggest you to please open your unique notes on page number 59 so that we can take a good start okay so story number one Once a हेयर met a tortoise. एक बार का जिक्र है कि एक खरगोश को एक कछुआ मिला He began to laugh at him. तो उसने क्या किया उसने उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया खरगोश ने कछुए पर For his slow pace, उसकी स्लो uh, का मतलब होता है uh, सुस्त रफ्तारी पर ठीक है कि उसने खरगोश ने जो है हंसना शुरू कर दिया उसकी सुस्त रफ्तारी पर पेस यानी रफ्तार और स्लो यानी सुस्त या आहिस्ता द टो टॉइज टू गेट वेरी इल जो कछुआ था उसको बड़ा बुरा लगा एंड चैलेंज हिम टू रन अ रेस और उसने उसको जो है चैलेंज कर दिया कि तुम जो है एक, एक रेस का यानी करो यानी कि उसको चैलेंज कर दिया कि तुम भी रेस लगाओ मैं भी रेस लगा दो लेट सी हु वेंस द हेयर लॉफ्ट एट द चैलेंज एंड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेडेड तो, तो खरगोश ने जो है उसके ऊपर हंसा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया नेक्स्ट डे अगले ही दिन द रेस बिगैन तो जो रेस थी वो शुरू हो गई द हेयर रैन वेरी फास्ट तो जो खरगोश था वो काफ़ी तेज़ दौड़ा एंड लेफ्ट द टॉर्ट फार behind और उसने कछुए को काफ़ी पीछे छोड़ दिया

द टोटो इज़ वॉक डॉन स्लोली तो जो कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा बट स्टेडली एंड पास द स्लीपिंग हेयर स्लो चलता रहा लेकिन स्टेडली यानी कि वह मुसलसल चलता रहा यानी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एंड पास द स्लीपिंग हेयर और उसने उसको जो खरगोश था सो रहा था उसको पास कर दिया यानी उसको पीछे छोड़ दिया द हेयर गोट अप वेरी लेट तो जो खरगोश था वो काफ़ी देर से उठा He ran as fast as he could. तो वो जितना तेज़ दौड़ सकता था वो दौड़ा But failed. लेकिन वो नाकाम रहा to overtake the tortoise के वो कछुए को शिकस्त दे सके या उसको दोबारा से पीछे छोड़ सके which has रीड the winning post before him जो के पहले ही उस विनिंग पोस्ट के पास पहुंच चुका था ठीक है तो जब उसने देखा कि वो सोया हुआ है और उसने जो है तेज़ दौड़ने की कोशिश की लेकिन वो उस कछुए को पीछे ना छोड़ सका क्योंकि जो कछुआ था वो पहले ही उस जीतने के मुकाम पर पहुंच चुका था द हेयर वॉज मच अशेम तो जो खरगोश था वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ इस बात पर एंड नेवर अगेन मेड फन ऑफ फान फ्रेंड और उसने उसके बाद दोबारा कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया सो मॉरल लेसन इज़ स्लो एंड स्टडी द रेस आराम से स्लो का मतलब होता है सुस्त यानी कामनेस एंड स्टडी यानी कि मुसलसल आप काम आहिस्ता करो सुस्त रफ्तारी से करो लेकिन मुसलसल करो तो जो कामयाबी है वो आपकी होगी ठीक है तो इस जो स्टोरी है इससे हमें मिलता है लेसन कि जो आपकी डिटर्मिनेशन होती है और एक स्टेडी नेचर होती है वो आपको जो है जीत के करीब लेकर जाती है इफ़ यू आर वर्किंग आप चाहे स्लो कर रहे हो चाहे आप उसको तेज़ी से कर रहे हो बट यू शुड वर्क on daily basis so this will lead to you towards the success. So this is all about first story and then we are going to start second story which is the mice and the cat. वंस ए कैट एंड अ नंबर ऑफ़ माइस लिव्ड इन द सेम हाउस एक बार का जिक्र है कि एक बिल्ली और काफ़ी ज़्यादा चूहे माइस कहते हैं माउस uh, की जो है ये प्लूरल uh, फॉर्म है राइट नंबर ऑफ़ माइस लिव्ड इन द सेम हाउस एक बार का जिक्र है कि एक बिल्ली और काफ़ी ज़्यादा चूहे एक ही घर में रहा करते थे द माइस नेवर फेल सेफ फॉर द कैट वॉज ऑलवेज़ हंटिंग दैम और जो चूहे थे वो कभी भी उन्होंने अपने आप को महफूज फ़ील नहीं किया क्योंकि जो कैट थी वो बार बार उनका शिकार किया करती थी एट लास्ट तो आखिरकार दे हेल्ड अ मीटिंग तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई टू थिंक ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हर उन्होंने इसलिए मीटिंग बुलाई ताकि वो एक ऐसा अच्छा रास्ता निकाल सके जिसके ज़रिए उनको इस बिल्ली से निजात मिल जाए मैनी प्लान वर कंसीडर्ड बट नॉट वन ऑफ दैम वॉज गुड तो उन्होंने काफ़ी प्लान जो है वहाँ पर कंसिडर किए यानी उनके पास काफ़ी प्लान आए बट उनमें से कोई भी प्लान इतना अच्छा नहीं था एट लेंथ तो एक फ़ासले पर अंग माउज एड वॉइस टू टाई अ बेल राउंड द कैट स्नैक तो एक फासले पर जो एक जवान चूहा बैठा हुआ था उसने उनको नसीहत की कि जो बिल्ली है उसकी गर्दन पर एक बेल यानी कि एक घंटी टाई कर दी जाए या फिर लगा दी जाए इन दिस वे और इसकी वजह से दे वुड नो when she was coming तो जब वो आएगी तो उनको पता चल जाएगा कि बिल्ली जो है आ रही है this plan was received with loud applause तो ये वाला जो मनसूबा था ये तालीओ के साथ जो है मौसू किया गया यानी कि लोगों ने इसको काफ़ी अप्रीशिएट किया चूहों ने देन एन ओल्ड माउस रोज़ एंड सेट तो उनमें से एक बूढ़ा चूहा उठा और उसने कहा द एडवाइस इज़ वेरी गुड ये जो नसीहत है ये काफ़ी अच्छी है बट हु विल बेल द कैट तो कौन ऐसा होगा जो कि बिल्ली की गर्दन में इस घंटी को बांधेगा नान कोई भी नहीं हाउ एवर ताहम ऑफर्ड हिज सर्विसेज एंड द मीटिंग ब्रोक अप इन डिसअपॉइंटमेंट ठीक है किसी ने भी इस खिदमत के लिए ऑफ़र नहीं की यानी कि कोई भी इस खिदमत के लिए आगे नहीं बढ़ा और इस वजह से जो मीटिंग थी वो दोबारा से डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि उनको कोई भी फ़ायदा साबित नहीं हुआ ठीक है यानी डिसअपॉइंट हुए वो सब इस पूरी मीटिंग की वजह से क्योंकि उनका कोई भी हल नहीं निकला ऑल दो उनके पास हल अवेलेबल था लेकिन कोई भी उस हल पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं था सो वट इज़ द मोरल लेसन सम थिंग्स आर ईजियर सेड दैन डन कुछ चीज़ें सिर्फ कही जाती है ना कि की जाती है ठीक है कुछ चीज़ें कहना आसान है जबकि करना मुश्किल है इसका जो मोरल लेसन है वो यही है सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड स्टोरी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर थर्ड बैड कंपनी वंस ए रिच मैन हैड अ सन एक बार एक अमीर आदमी का बेटा था वो फेल इन बैड कंपनी जो कि एक बुरी सहबत में फंस गया था He tried his best to set him right, but in vain. तो उसने जो बाप था उसने काफ़ी कोशिश की कि उसको सीधी राह पर ले आए but in vain यानी कि सब रहा, यानी उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ वन डे तो एक दिन द फ़ादर ब्रॉट अ basket ऑफ़ apples जो बाप था वो एक टोकरी लेकर आया सेबों की द बॉय wanted टू हैव दैम तो लड़के ने चाहा कि मैं जो इन सारे सेबों की सेब जो टोकरी थी उन सेबों की उसको ले लूँ द फ़ादर प्रामिस टू गिव हिम ऑल द एपल नेक्स्ट डे तो जो उसका फ़ादर था उसका बाप उसने उससे वादा किया कि वो ये सारे एप्पल्स जो है अगले ही दिन उसे दे देगा इन द मीन टाइम और इसी वक्त में ही गेव द बॉय अ रोटन एप्पल उसने बाप ने अपने लड़के को रोटन एप्पल का मतलब होता है एक ख़राब एप्पल दे दिया एंड आज टू प्लेस इट एम एस द गुड वनस और उसे कहा कि इस एप्पल को उन अच्छों के दरमियान में रख दो एम का मतलब होता है उनके दरमियान में रख दो दस एंड डेढ़ सौ तो लड़के ने ऐसे ही किया नेक्स्ट डे अगले ही दिन द फादर आस्ट हिम टू गेट द एप्पल्स फ़ादर ने उसको कहा कि जाओ वो एप्पल्स लेकर आओ सारे बट ही फाउंड देम ऑल रोटन इन द बास्केट लेकिन लड़के ने क्या देखा कि वो सारे सेब जो है उस बास्केट में टोकरी में ख़राब हो चुके हुए हैं फादर टोल्ड हिम तो बाप ने उसको कहा जस्ट एज सिंगल रोटन एप्पल सिर्फ एक खराब सेब की वजह से हैज स्पॉइल्ड ऑल द गुड वंस तो उस एक खराब एप्पल की वजह से सारे अच्छे एप्पल जो है वो खराब हो गए सिमिलरली इसी तरह से बैड कंपनीज़ spoils द गुड बॉयज़ तो जो बुरी सोहबत होती है वो अच्छे लड़कों को भी ख़राब कर देती है द सन गॉट द पॉइंट तो जो लड़का था उसको बात समझ आ गई एंड गेव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़ और उसने उन बुरे लड़कों की सोहबत को छोड़ दिया अब ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक कि एक काली भेड़ पूरे मजमे को ख़राब करती है इसका मतलब यह है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बंदा भी आप में से Uh, उसकी जो हैबिट्स है वो बुरी है तो वो पूरी क्लास या पूरे ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकती है उसे इफ़ेक्ट कर सकती है तो सबसे अच्छा वे ये है कि आप उनसे दूर रहो और अपनी लाइफ जो है एक अच्छे तरीके से एक गुड बॉय की तरह गुजारो सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थ्री स्टोरीज़ Uh, इस तीन स्टोरीज़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको जो बर्डनाइज़ किया गया आप वन बाय वन इन स्टोरीज़ को कर सकते हो याद करो उसको लिखो उसके प्रैक्टिस करो एंड देन मूव टू दैकेंड वन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो